नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0111-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल DNA में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई की क्रेटा और MG हेक्टर को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। ये वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगा कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको क्रेटा लेनी चाहिए या फिर MG की हेक्टर। क्या हुंडई ने क्रेटा की सारी आउटडेटेड कमियों को निकाल कर इसे लॉन्च किया है? क्या हेक्टर क्रेटा से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होता है? आपके जहन में भी अगर ऐसे कुछ सवाल है तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग से। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। क्रेटा की जहां तक बात है, 1.5 लीटर मैनुअल पेट्रोल का टॉप एंड वेरियंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 13,46,000 रुपीज़ का, और 1.4 लीटर GDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन टॉप एंड वेरिएंट DCT में आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मिलेगा 17,20,000 रुपीज़ तक। वहीं MG हेक्टर 1.5 लीटर मैनुअल पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट विथ हाइब्रिड एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 16,54,000 रुपीज़ तक का, जो क्रेटा से लगभग 3,08,000 रुपये महंगा है। और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल DCT टॉप एंड वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 17,44,000 रुपीज़ तक, जो कि क्रेटा से लगभग 24,000 रुपये महंगा है। अब डीजल की अगर बात करते हैं तो 1.5 लीटर डीजल टॉप एंड वेरिएंट क्रेटा एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगी 15,79,000 रुपीज़, और 1.5 लीटर डीजल 6-स्पीड ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट क्रेटा आपको मिलती है एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से 17,20,000 रुपीज़ तक। वहीं MG हेक्टर डीजल में कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवाती है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से हेक्टर आपको 17,73,000 रुपीज़ में डीजल का टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है, जो कि क्रेटा के डीजल मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट से लगभग 1,94,000 रुपीज़ महंगा है, और डीजल DCT टॉप एंड वेरिएंट से 53,000 रुपीज़ महंगा आता है। वीडियो के अंत में मुझे आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या हेक्टर, जो कि क्रेटा से लगभग 24,000 रुपये से लेकर 3,08,000 रुपये तक महंगी आती है, क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर पाती है? कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, मुझे लगता है अगर MG हेक्टर को इस सेगमेंट पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत करनी है तो हेक्टर की कीमत में कटौती करके उसे सेल्टॉस और क्रेटा से कम कीमत पर बेचना चाहिए, या फिर लगभग इसकी कीमत को सेल्टॉस और क्रेटा की कीमत जितना ही रखे तो भी काफ़ी बेहतर होगा, जिससे हेक्टर को क्रेटा और सेल्टॉस का मार्केट शेयर तोड़ने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकेगी। चलिए अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हेक्टर की लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस
हर एक चीज़ में ये क्रेटा से काफ़ी बड़ी है। यहाँ तक कि कर्व वेट की अगर हम बात करें तो क्रेटा का वज़न है 1367 किलोग्राम, वहीं हेक्टर का वज़न है 1539 किलोग्राम से लेकर 1687 किलोग्राम तक। यानी यहाँ भी हेक्टर भारी है और मजबूत है, जिससे आपको दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा मिल जाएगा। अब लगे हाथ दोनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस पर भी बात कर लेते हैं। तो ह्युंडई क्रेटा में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वही हेक्टर में आपको मिलेगा 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। जहां तक दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस की बात है, ह्युंडई क्रेटा में आपको मिलता है 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं हेक्टर आपको ऑफर करती है 5.8 मीटर का टर्निंग रेडियस। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो ह्युंडई क्रेटा में आपको मिलता है 475 लीटर का बूट स्पेस, वहीं एमजी हेक्टर में आपको 587 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जहां तक बात है दोस्तों, तो क्रेटा में आपको मिलती है 50 लीटर की फ्यूल टैंक और हेक्टर में आपको मिलेगी 60 लीटर की फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है तो लगे हाथों माइलेज की भी बात कर ही लेते हैं। तो हेक्टर में आपको कंबाइन माइलेज यानी कि पेट्रोल डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक सबका मिला के कंबाइन माइलेज मिलता है 14 किलोमीटर से लेकर 17.41 kmpl, वहीं क्रेटा में आपको मिलेगा कंबाइन माइलेज 17 kmpl से लेकर 21 kmpl तक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द व्हील्स और बात कर लेते हैं अलॉयज के बारे में। तो ह्युंडई क्रेटा और एमजी हेक्टर दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन्स के बारे में और शुरुआत करते हैं क्रेटा से। पेट्रोल में आपको क्रेटा में दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 115 यानी कि 115 पीएस की पावर जनरेट करता है 6300 आरपीएम पर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4500 आरपीएम पर। वहीं 1.4 लीटर GDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 140 पीएस की पावर जनरेट करता है 6000 आरपीएम पर और 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 3200 आरपीएम पर। डीजल में क्रेटा की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 115 पीएस की पावर जनरेट करता है 4000 आरपीएम पर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 आरपीएम पर। अब बात करते हैं हेक्टर के इंजन्स के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि 143 पीएस की पावर जनरेट करता है 5000 आरपीएम पर और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है 1600 से लेकर 3600 आरपीएम पर। वहीं डीजल में आपको मिलता है फिएट सोस 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 170 पीएस की पावर जनरेट करता है 3750 आरपीएम पर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1700 से 50 लेकर 2500 आरपीएम पर। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉमन फीचर से, जो कि है दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है 17 इंचेस का अलॉय व्हील्स। उसके बाद में दोनों ही गाड़ियां आपको एलईडी हेडलैम्प्स ऑफर करती हैं, साथ ही साथ आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना। रूफ रेल्स दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां आपको फ्रंट एंड रियर में स्किड प्लेट्स ऑफर करती हैं। दोनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ऑटोफोल्ड ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं। दोनों गाड़ियां रियर में आपको एलईडी टेल लैंप्स ऑफर करती हैं, एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स ऑफर करती हैं और एलईडी DRLs भी ऑफर करती हैं। दोनों गाड़ियों में आपको रियर स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है और दोनों ही गाड़ियां आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर ऑफर करती हैं। आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले कॉमन फीचर के बारे में, जो कि है दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है रियर एसी वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर। दोनों गाड़ियों में आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर मिलता है, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। आज के मॉडर्न एज और अपडेटेड मार्केट में दोनों ही गाड़ियां आपको 10 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम ऑफर करती हैं, 8 स्पीकर विद सबवूफर एंड एम्पलीफायर आपको मिल जाता है। दोनों गाड़ियां आपको बहुत सारी कनेक्टेड कार फीचर्स ऑफर करती हैं, लेकिन हेक्टर में आपको थोड़े ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं।
वॉइस रिकग्निशन कमांड्स भी आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन हेक्टर में 100 से भी ज़्यादा आपको वॉइस रिकग्निशन कमांड्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियाँ आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक के साथ आती हैं। दोनों गाड़ियों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियाँ आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इन ऑल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स, हिल होल्ड कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर एंड कैमरा जैसे फीचर्स ऑफर करती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रेटा में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको MG हेक्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो कि क्रेटा आपको ऑफर करती है, वो है ट्विन टिप एग्जॉस्ट। नेक्स्ट इज क्रेटा में आपको ड्यूल टोन एक्सटीरियर देखने को मिल जाता है। क्रेटा आपको ट्रायो बीम LED हेडलैम्प्स ऑफर करती है। रियर विंडो सनशेड्स आपको क्रेटा में देखने को मिल जाते हैं। क्रेटा में आपको डी कट फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। क्रेटा आपको स्पोर्टी पेडल शिफ्टर्स के साथ आ जाती है। फ्रंट रो में क्रेटा आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी ऑफर करती है। क्रेटा में आपको 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिल जाता है, वहीं हेक्टर में ये केवल 6-way पावर एडजस्टेबल है। ऑटो एयर प्यूरिफायर का फीचर भी क्रेटा आपको ऑफर करती है जो हेक्टर में नहीं मिलेगा। क्रेटा में आपको ड्राइव मोड सिलेक्ट का फीचर मिलता है, अलॉन्ग विद ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स आ जाते हैं। क्रेटा में आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट कंट्रोल मिलता है, डे नाइट IRVM मिल जाता है और इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जैसे फीचर्स क्रेटा आपको ऑफर करती है जो हेक्टर में नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं हेक्टर में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको क्रेटा ऑफर नहीं करेगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से जो कि है 8-color एम्बियंट लाइट। जी हाँ दोस्तों, हेक्टर में आपको ये 8-color एम्बियंट लाइट मिलती है, वहीं क्रेटा में आपको केवल सिंगल लाइट ब्लू कलर की एम्बियंट लाइट मिलती है। हेक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का फीचर मिलता है, वहीं क्रेटा में आपको पावर स्टीयरिंग तो मिलती है लेकिन केवल टिल्ट का फीचर मिलेगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। हेक्टर में आपको 4-way पावर एडजस्टेबल फ्रंट को ड्राइवर सीट भी मिल जाती है जो कि क्रेटा में नहीं मिलती। हेक्टर आपको आती है रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ में। पावर टेलगेट का फीचर ओपन एंड क्लोज के लिए आपको हेक्टर ऑफर करती है। हेक्टर में आपको फाइंड माई कार लोकेशन का फीचर भी मिल जाता है। हेक्टर आपको रिमोट सनरूफ ओपन एंड क्लोज के फीचर के साथ में आती है। हेक्टर आपको वॉइस रिकग्निशन विथ मोर देन 100 डिफरेंट कमांड के साथ आती है। हेक्टर में आपको व्हीकल स्टेटस चेक सिस्टम ऑन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टायर प्रेशर, सिक्योरिटी अलार्म वगैरह जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। हेक्टर में आपको फ्रंट फॉग लैंप विथ कॉर्नरिंग का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हेक्टर आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा का फीचर भी ऑफर करती है। हेक्टर में आपको हीटेड ORVMs मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्रेटा में आपको केवल 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है और 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस मिलता है। वही हेक्टर में आपको मिलती है 5 years अनलिमिटेड किलोमीटर्स वारंटी विथ 5 years अनलिमिटेड किलोमीटर रोड साइड असिस्टेंस, 5 labor-free सर्विसेज और साथ में MG हेक्टर आपको आती है 3 साल के बाद में 60% के बायबैक ऑफर के साथ में। अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हेक्टर में आपको क्रेटा से बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी ठीक नहीं है, क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी भी बेहतर है। हेक्टर में आपको इंजन्स का परफॉर्मेंस बेहतर मिलता है, केबिन स्पेस और बूट स्पेस भी ज़्यादा मिल जाता है, वहीं क्रेटा में आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। दोनों गाड़ियों में आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं, लेकिन हेक्टर में आपको ज़्यादा और बेहतर कनेक्टेड और स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ मोर देन 100 वॉइस कमांड्स। एक तरफ MG एक नई कंपनी है और अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर क्रेटा के साथ आपको ह्यूंडाई का भरोसा मिलता है, साथ में ह्यूंडाई का सर्विस नेटवर्क। मारुति के बाद में ह्यूंडाई एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारतीय बाजार में अच्छी तरीके से अपने पाँव जमा चुकी है। क्रेटा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और कई सालों से वो इस सेगमेंट में किंग बनी हुई है, लेकिन हम इस बात को इनकार या नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हेक्टर भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। साथ ही इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन 5 साल का अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी,
रोड साइड असिस्टेंस, 5 लेबर फ्री सर्विस और 60% का बायबैक ऑफर आता है। दोनों ही गाड़ियां कुछ बेहतरीन फीचर्स ऑफर करती हैं, मेरी राय मानिएगा। तो अगर आप पेट्रोल हो या डीजल हो, मैनुअल कार लेना चाहते हैं तो ह्युंडई क्रेटा एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि हेक्टर के मुकाबले ये काफ़ी कम कीमत में आती है, लेकिन फिर आपको गाड़ी भी छोटी मिलेगी, इसे मत भूलिएगा। अगर आप क्रेटा का पेट्रोल या डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको एमजी हेक्टर को कंसिडर करना चाहिए या फिर एमजी हेक्टर को ही लेना चाहिए। लेकिन हेक्टर डीजल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता, इस बात को भूलिएगा मत। आपको क्या लगता है कि हेक्टर अपनी 24,000 रुपये से लेकर 3,08,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा प्राइस गैप को जस्टिफाई कर पाई है? मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियाँ विनर साबित होती हैं और दोनों को लेने की आपके पास अलग अलग खास वजह मौजूद है। लुक्स की जहाँ तक बात है, मुझे क्रेटा का लुक्स पसंद नहीं आया है, वहीं हेक्टर मुझे एक रिच लुकिंग, मॉडर्न एज एंड मोर अप मार्केट कनेक्टेड कार लगती है, जिसने टेक्नोलॉजी के मामले में कई सारे नए हाई स्टैंडर्ड और बेंचमार्क सेट किए हैं, लेकिन डिज़ाइन सब्जेक्टिव हो सकता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप दोनों में से अपने लिए जो चाहें वो कार चुन सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों गाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। आपको क्या लगता है, क्रेटा जीती या फिर हेक्टर? कमेंट नाउ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।